अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के बारे में, जो कि आपको पता है कि जनवरी फरवरी के अंदर व्हाट्सएप ने एक न्यू अपडेट की थी जिसके अंदर आपको एग्री करना बहुत ज़रूरी था। तो उसी अपडेट को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी और बाद में व्हाट्सएप ने अपने डिसीजन को चेंज किया और उसके अंदर व्हाट्सएप ने बताया कि हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा लंबा लेके जा रहे हैं, कि हम इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी, पहले ये बताया गया था कि 8 फरवरी को आपके व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाएगा जिन लोगों ने जो है ना वो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब जो है ना व्हाट्सएप की एक न्यू अपडेट आ गई है जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के अंदर व्हाट्सएप ने क्या बताया है और किन लोगों के कब से जो है ना वो व्हाट्सएप बैन होंगे और क्या क्या इशू होगा व्हाट्सएप के अंदर और न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके अलावा मैंने एक और चैनल का लिंक दिया हुआ वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर भी आपको अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी व्हाट्सएप से रिलेटेड या इंटरनेट फ्री इंटरनेट टेक से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। तो उसका लिंक भी मैंने चैनल लिंक के नेम से दिया हुआ है, उस चैनल को लाजमी से विजिट कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद मैं बताता हूँ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि व्हाट्सएप ने न्यू क्या अपडेट की है और इसका क्या बेनिफिट होगा हमारे लिए और क्या नुकसान होगा, ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली व्हाट्सएप ने अब बताया है कि हम जो है ना वो 15 मई, ठीक है, अब तो आपको पता है कि अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल और अप्रैल लास्ट अप्रैल उसके बाद मई स्टार्ट हो रहा है, 15 मई को जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये दोबारा से उन लोगों को बार बार ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अगेन जो है ना वो आपके व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 फाइनल डेट थी और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से जो है ना वो घबरा रहे थे कि इससे हमारा डाटा लीक होगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, व्हाट्सएप ने खुद बताया इस चीज़ के बारे में कि हम आपका किसी किस्म का कोई भी डाटा लीक नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी चैट व्हाट्सएप के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होने का ये बेनिफिट है कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सिक्योर है, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप लोगों के पास अगर दोबारा से वो ऑप्शन आता है एग्री का तो आपने उसको एग्री कर देना है। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को अगर आप एग्री नहीं करेंगे 15 मई के बाद आपको व्हाट्सएप से हटा दिया जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप की न्यू अपडेट आई है जिसके अंदर व्हाट्सएप ने बकायदा इसके बारे में ये अनाउंसमेंट की है कि 15 मई के बाद अगर आप लोगों से पहले जो है ना वो अगर आपने नहीं किया 15 मई के बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो बैन कर दिया जाएगा। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि इसका कोई इशू तो नहीं होगा, वो भी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि व्हाट्सएप जो है ना बेसिकली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप के अंदर किसी किस्म का कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिससे हम जो है ना वो अपने हमारा डाटा जो है ना वो लीक होगा, क्योंकि पहले जो है ना वो अफवाहें फैली थी जिसके अंदर मैंने ये बात क्लियर की थी कि व्हाट्सएप ने खुद इस चीज़ को जो है ना वो क्लेरिफाई किया है कि ये जो हमारे पास जितना भी डाटा है वो लोगों का सिक्योर है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप की टीम भी हमारे चैट जो है ना वो चैट को रीड नहीं कर सकती, हमारे डाटा को रीड नहीं कर सकती। वो कैसे मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप के अंदर आपको एक फीचर मिलता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर क्या होता है, जब हम किसी को कॉल करते हैं हमारी कॉल के ऊपर अब लिखा हुआ आता है कि जो है ना ये कॉल इंक्रिप्टेड है, ठीक है, दिस कॉल इज इंक्रिप्टेड या एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वो फीचर होता है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो वो जो चैट होगी, वो जो बातचीत होगी, वो सारी की सारी आपके और मेरे दरमियान रहेगी, ना कि किसी और पर्सन के दरमियान रहेगी, ठीक है। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप की जितनी भी जो है ना टीम है वो भी उसको रीड नहीं कर सकती। तो ये व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास ये अभी तक ऑप्शन आ गया दोबारा, अगर नहीं आया तो आपके पास फिर से आ जाएगा, आपने इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपके पास जो है ना वो एग्री पे आपने क्लिक कर देना है। आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो आप रेगुलर व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे, अगर एग्री पे क्लिक नहीं करेंगे 15 मई के बाद आपको जो है ना वो व्हाट्सएप से हटा दिया जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट क्या है और इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने फ्रेंड के साथ इसको लाजमी से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।